आरोग्य आज पार्टी की बैठक थी, उसमें विस्तारकों को, संयोजकों को, क्षेत्रीय अध्यक्षों, महामंत्रियों को क्या बताया गया? पार्टी ने क्या बताया है? 2019 में पुनः मोदी सरकार को लाने का संकल्प और उसकी तैयारी के विषय में आज की बैठक हुई। उसमें सभी जिला जिला हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे संयोजक, वहाँ के हमारे लोकसभा क्षेत्र के जिला संयोजक, उन सभी को आमंत्रित किया गया था। क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, सबको बुलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ। हमने उस पर कई योजनाओं पर, कार्य योजनाओं पर काम किया है। सरदार पटेल जी की जयंती पर हम रन फॉर यूनिटी का आयोजन करने जा रहे हैं। 10 से 15 नवंबर के बीच सभी बूथों पर बूथ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन होगा। 17 नवंबर से हर बूथ पर हम बाइक रैली निकाली जाएगी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 1 से 15 दिसंबर तक हम पदयात्राएँ करेंगे। साथ ही साथ 26 जनवरी को कमल ज्योति अभियान के तहत हम दीपक, कमल का स्वरूप एक दीपक और साहित्य केंद्र सरकार का उपलब्ध कराएंगे। वैसे 3 करोड़ परिवारों को, जिनसे कि जिनको मोदी सरकार में लाभ मिला है, ऐसे लाभार्थियों को जिन्होंने, जिनको आयुष्मान भारत के तहत बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, उजाला योजना के तहत बिजली तथा मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए ऋण मिला है, ऐसे सभी लाभार्थियों को हम संकल्प कराएंगे, एक निश्चित समय पर दीपक जलवाएंगे कि वो पुनः एक बार मोदी सरकार फिर से लाने के लिए तत्पर होंगे।